रुख रायपुर से करेंगे, जहां पर जोन अध्यक्ष के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग से गई है कांग्रेस के खाते में एक सीट। शंकरनगर जोन में ये क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस के 4 और भाजपा के 3 पार्षद थे। जोन 3 में 4 वोटों के साथ भाजपा की जीत हुई है। महापौर ने माना है क्रॉस वोटिंग से बीजेपी हार हुई है। बीजेपी पर लगाए हैं खरीद फरोख्त किए जाने के आरोप। कांग्रेस से जयचंद को ढूंढने के लिए महापौर कर रहे हैं समीक्षा। कमेटी बनाकर कुछ देर में, कुछ घंटों में जयचंद को खोज निकालने का दावा किया गया है। पार्टी के नियम अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, जयचंद की तलाश में कांग्रेस पार्टी खोजबीन तो कर रही है, ढूंढने पर एक नहीं न जाने कितने जयचंद मिल जाएंगे, लेकिन ये फहरिस्त कब खत्म होगी? जी बिल्कुल, ये जो जयचंद का रिवाज है हमेशा से चलती आ रही है, और राजनीति में जो ये उठक पटक यही देखने को मिलता है, जिनको अवसर नहीं दिया जाता या उनके टैलेंट को दबा दिया जाता है, तो ऐसे लोग पार्टी में रहकर भी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका आज देखने को रायपुर नगर पालिका निगम में मिला है, जहाँ पे 10 जोनों में अध्यक्ष के चुनाव हुई है और 10 जोन में 8 जोन में कांग्रेस की जीत हुई है। तो वही एक जो है क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की जीत हुई है, जिनको लेकर जो कांग्रेस है समीक्षा का दौर जारी है। पहले सभी लोगों को वहां से कांग्रेस ने बुलाया, बैठक बुलाई है, उनके बाद उसमें ये समीक्षा की जा रही है कि आखिर वो जयचंद क्यों कौन है, क्योंकि ये जोन क्रमांक 3 का मामला है शंकर नगर का। वहां टोटल 7 पार्षद है, जिसमें से 4 कांग्रेस के थे और 3 बीजेपी के थे। तो जीत तो सीधा साफ साफ था कि 4 कांग्रेस पार्षद होने के कारण कांग्रेस की जीत होनी थी, लेकिन वहां क्रॉस वोटिंग होने की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। तो इस तरह क्रॉस वोटिंग का माना भी है, और महापौर ने दावा किया है कि ऐसे जयचंद को हम छोड़ेंगे नहीं, कमेटी बनाकर समीक्षा करके उनको सामने लाएंगे और उस पर पार्टी के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। गोली चंबल अंचल